डिवाइस को ऑपरेट करेंगे, इसके अंदर होल होता है, प्लेट होगी, होल प्लेट का होल जो होगा ना नीचे चला जाएगा, जो जनरल होल होगा ना वो अपनी जगह पे फिक्स होता है। जैसे ये जैक प्लेट होते हैं ना, जैक वाली प्लेट के अंदर जो होल है ये इसके सामने ले आएगा। इसके पीछे अम्पेलर लगा होता है। कौन सा? अम्पेलर जी। इसके अंदर जो सीमेंट होता है ना वो डायरेक्ट अम्पेलर के अंदर आता है। अम्पेलर फिर ये नोजल को ऑपरेट करता है। ये है लोड सेल। लोड सेल मतलब कि जो वेट करता है ना बैग का, वो ये करता है इस जगह पे, ठीक है। उसके अलावा ये कैचर है, बैग कैचर, बैग होल्ड करता है, बैग होल्डर भी कहते हैं, बैग कैचर भी कहते हैं। नोजल और कैचर के दरमियान सेटिंग डिवाइस लगा हुआ है। जी, सेटिंग डिवाइस लगा हुआ है और उन दोनों के दरमियान रबड़ स्पाउट लगा हुआ है। रबड़ स्पाउट इसलिए देते हैं कि ताकि आपस में ये लोहा है ना, ये आपस में टकराए नहीं। अगर ये आपस में टकरा जाएंगे तो ये वेट पूरा सेंस नहीं कर सकता, क्योंकि फिक्स हो जाएगा ना वो जो फाइनल वेट होता है वहाँ पे होता है। मैकर का जो वेट होता है यहाँ पे होता है, डबल वेट होता है ना। इसका काम है 50 kg जब वजन होगा ना इसमें पूरा होगा तो ये कमांड देगा पैरामीटरों को, पैकर के जो पैरामीटर हैं उनको कमांड देगा कि 50 kg वेट पूरा हो गया, बैग ड्राप कर दो, वो ड्राप कर देंगे। इसमें जो स्लो फिलिंग जैक है वो 3 kg लास्ट में फिलिंग करता है। पहले जो फास्ट फिलिंग और स्लो फिलिंग डबल ऑपरेट होते हैं, दोनों ऑपरेट होते हैं। जब 47 kg हमारा वेट पूरा हो जाएगा तो फास्ट फिलिंग सिलेंडर बंद हो जाएगा, छोटा खुला रहेगा और पैलर भी चलता रहेगा। जैसे 3 kg पूरा होगा, इस साइड को मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ पे देखें ना, ग्रीन लाइट जल रही है। ग्रीन लाइट मीन अम्पेलर चल रहा है। यहाँ पे अम्पेलर की लाइट बंद होगी, समझे कि हमारा 50 kg लाइट पूरा हो गया और बैग आगे ड्राप हो गया। हर एक लिए अलग अम्पेलर लगा, हर एक, ठीक है। बैक साइड बैन आपको दिखाते हैं। चलो भाई, इससे एयर आती है यहाँ पे, यहाँ पे क्लीनिंग होती है। यहाँ पे ये डस्ट पड़ी है ना, ये वाली बैग के ऊपर लगी होती है, प्रेशर मारते हैं पैरों से डस्ट निकल जाएगी। जो सीमेंट होगी ये सर बैठ जाएगी, जो डस्ट होगी ऊपर पैरों लगा वो सब कर लेंगे। चले आओ ना, आप भी निकले कर जाओ। रूम में पहली बेल्टों के नाम आपसे पूछ सकते हैं। किसके? पैकिंग प्लांट के एरिया का अगर आपको पूछना चाहे ना कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई है पैकर के बाद, इन 4 बेल्टों का नाम है और जो हर एरिया में, हर पूरे पाकिस्तान इंडस्ट्री में जितने भी सीमेंट इंडस्ट्री लगी हुई है उसमें ये बेल्टों के नाम है और वो आपसे पूछ सकते हैं कि इनके नाम बताओ। है तो सिंपल बेल्टें लेकिन इनके नाम है। ड्राई गियर बॉक्स, कपलिंग, रोलर, इसके अंदर तो बैरिंग है, बैरिंग इसके ऊपर बैरिंग नहीं है, इसके अंदर कपलिंग होती है। इसको टोटल को डिवाइडर बेल्ट कहते हैं। अगर ये लोडर चल रहा है मतलब अभी रनिंग में जा रहा है तो ये बेल्ट ऑपरेट है। जैसे ये गाड़ी लोड होगी इसकी इंटरलॉकिंग है दो बेल्टों के साथ, जैसे ये ऑपरेट होगा गाड़ी लोड होगी ये लोडर चलेगा, ये बंद होगा ये ऑपरेट होगा, इसको कमांड मिल जाती है। ये बंद होगा ना, ये क्या होगा लोडर, ये खुद को खुद बंद हो जाएगा, गाड़ी ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, पीछे वाला पैकर सारा बंद हो जाएगा। जैसे ये लोडर चलेगा इसका सेंसर जो होगा ये उसको कमांड देगा कि अगली बैंक चलेगी।